हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट पे। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं मैप से रिलेटेड, जिसमें हम वर्ल्ड्स के लार्जेस्ट कंट्रीज और स्मॉलेस्ट कंट्रीज के बारे में देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार हम पूरे मैप को देख लेते हैं। ये है पूरा वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, और इस मैप में हम आपको बताते हैं कि दुनिया में जो पूरे जो वर्ल्ड मैप है, इसमें 7 इम्पॉर्टेंट बड़े बड़े कंटिनेंट्स हैं। तो उन कंटिनेंट्स को एक बार देख लेते हैं। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है वो है एशिया। ये जो पूरा एरिया है, ये है आपका एशिया, ये सब कुछ एशिया में आता है। तो ये एशिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है। इसके बाद जो आता है अफ्रीका दूसरे नंबर पर अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में एक चीज़ और हम देखेंगे, आपको इस मैप में दिखाते हैं, यहाँ पे क्लियर दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका। लेकिन इसकी एक खासियत है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड है। एक मिनट, ये ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड आप फिजियोग्राफिकली आप देखेंगे तो ये जो देखेंगे तो आप ये जो नॉर्थ अमेरिका का पूरा जो मैप है, ये सब कुछ नॉर्थ अमेरिका है। ये सब कुछ क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। लेकिन ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का फिजियोग्राफिकली तो पार्ट है, पॉलिटिकली ये पार्ट नहीं है नॉर्थ अमेरिका का। क्यों? क्योंकि ये जो डेनमार्क की टेरिटरी, और डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, तो इस तरह से डेनमार्क जो है ये यूरोप में आता है, ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं आएगा। तो नॉर्थ अमेरिका बस ये पूरा एरिया जो हो जाए, ये जो हो जाएगा ये नॉर्थ अमेरिका का। और यहाँ पे जो है अलास्का है, ये यूएसए का पार्ट है। इसको यूएसए ने रसिया से खरीद लिया था, तो ये यूएसए का पार्ट है। और ये पूरा कनाडा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला जो सबसे बड़ा महाद्वीप है पाँचवें नंबर का, वो है चौथे नंबर का साउथ अमेरिका। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका और चौथा साउथ अमेरिका। चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले पे एशिया हो जाएगा, दूसरे पे अफ्रीका हो जाएगा, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका। पांचवा जो सबसे बड़ा महाद्वीप होगा वो होगा अंटार्कटिका, जो कि यहाँ पर है। अंटार्कटिका यहाँ नीचे है, ये पाँचवा सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। लेकिन अंटार्कटिका की एक खासियत है कि यहाँ पे ये इनहेबिटेड मीन्स यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती है। यहाँ पे जो कॉमन मैंस हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो नहीं रहती है यहाँ पे। ये सिर्फ ऑब्जर्वेटरीज, यहाँ पे साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इसको यूज किया जाता है अंटार्कटिका को, क्योंकि ये पूरा आइस से भरा हुआ है। और ये इस वजह से इसको सिर्फ साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरीज हैं, इंडिया के भी ऑब्जर्वेटरीज हैं, दक्षिण गंगोत्री मैत्री करके। उसके बाद जो सबसे छोटा महाद्वीप है दुनिया का, या आप कह सकते हैं दुनिया का सातवां जो सबसे बड़ा महाद्वीप, वो है ऑस्ट्रेलिया। ये इंडोनेशिया, ये सब ये जो पार्ट है ये पूरा ऑस्ट्रेलिया में आता है। ये न्यूजीलैंड वगैरह सब यहाँ तक पूरा एशिया है। ये इंडोनेशिया भी एशिया कंटिनेंट में ही आता है। तो ये हमने देखा कि एशिया जो बड़े जो महाद्वीप हैं उसको हमने देखा। इसके बाद जो महासागर है, दुनिया के पांच सबसे बड़े बड़े महासागर, तो पहला जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है वो है पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। ये जो एरिया है प्रशांत महासागर का है, क्योंकि ये फ्लैट मैप है, दुनिया तो पूरी गोल है, ये फ्लैट मैप है, इस वजह से प्रशांत महासागर, ये पूरा एरिया जो है प्रशांत महासागर का है। उसके बाद जो आता है अटलांटिक महासागर, दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशन। ये जो एरिया है अटलांटिक ओशन का है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक, वैसे ही साउथ नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। तीसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वो है इंडियन ओशन, ये जो एरिया है इंडियन ओशन का है। और जो चौथा सबसे बड़ा महासागर है वो है आर्कटिक ओशन। चौथा जो सबसे बड़ा महासागर है उसका क्या नाम है? आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन कहाँ है? तो ऊपर की तरफ, यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। और जो पांचवा और सबसे छोटा, या कह सकते हैं या सबसे बड़ा पांचवा जो महासागर है वो है अंटार्कटिक ओशन। यहाँ जो है अंटार्कटिक कंटिनेंट है, अंटार्कटिक ओशन भी यहाँ पे है, जिसको सदर्न ओशन के नाम से भी जाना जाता है। सदर्न ओशन भी इसको बोला जाता है। तो ये पांच सबसे बड़े बड़े ओशंस थे।
और कंटिनेंट्स थे। अब हम देखेंगे कि जो कि हमारे इस लेक्चर का आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि हमें कंट्रीज को जानना है, जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनको जानना है। तो सबसे बड़े टॉप 10 हम कंट्रीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और स्मॉलेस्ट कंट्रीज को भी देखेंगे। तो सबसे बड़ी जो कंट्री है यहाँ पे, सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है रसिया। आप देख सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है रसिया, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है कनाडा। दुनिया का दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा देश है वो है चाइना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दुनिया का जो चौथा सबसे बड़ा देश है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूएसए। तो एक चीज आप यहाँ पे कॉमन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये दोनों देश पहला दूसरा एक दूसरे के आमने सामने ऐसे याद कर सकते हैं, तीसरा चौथा एक दूसरे के आमने सामने। पांचवा जो सबसे बड़ा देश है दुनिया का वो है ब्राजील। ब्राजील दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है ये भी। और छठा जो सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट भी और अपने आप में एक देश भी है। तो इस तरीके से दुनिया का छठा जो सबसे बड़ा देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया का जो सबसे छोटा देश है छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें नंबर पे हमारे देश इंडिया का नंबर आता है। तो हमारा देश जो है दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि। ये जो भी हम देश को डिस्कस कर रहे हैं ये एरिया वाइज डिस्कस कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। वैसे तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत पॉपुलेशन की दृष्टि से, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि, और पहले नंबर पे आता है चाइना, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। तो दुनिया का आठवां जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? तो जो आठवां जो सबसे बड़ा देश है वो है अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका का कंट्री है आठवां अर्जेंटीना, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है आठवें नंबर का। और नौवें नंबर का जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो है कजाकिस्तान। और दसवें नंबर का जो सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया। तो ये हमने 10 कंट्रीज को डिस्कस किया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये जो रसिया है ये तो दुनिया के 10 सबसे बड़े देश हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंटिनेंट वाइज कौन बड़े देश हैं। तो एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है रसिया। एशिया का जो सबसे बड़ा देश है रसिया, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका एरिया है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है रसिया। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा, आप देख सकते हैं इसका एरिया। ऐसे ही साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील। ऐसे ही अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वो क्या हो जाएगा? अल्जीरिया, जो कि दुनिया का दसवां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का दसवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश भी है। इसके बाद आएगा कि इसके बाद यूरोप देखेंगे। तो अफ्रीका हमने देख लिया, नॉर्थ अमेरिका देख लिया, साउथ अमेरिका देख लिया, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा देश है। इसके बाद हम यूरोप के बारे में डिस्कस। तो यूरोप में एक कॉन्सेप्ट आता है यूरेशिया, यानी एशिया और यूरोप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये एशिया और यूरोप को मिलाकर बोलते हैं यूरेशिया। तो यूरेशिया का अगर सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो भी रसिया होगा, क्योंकि रसिया एक ऐसा कंटिनेंट है जो यूरोप में भी है और एशिया में। ये देख सकते हैं ये पूरा यूरोप है और इसको कवर करता है एशिया में। रसिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इस वजह से यूरेशिया का जो सबसे बड़ा देश हो जाएगा वो हो जाएगा रसिया। लेकिन सिर्फ जब यूरोप की बात होगी कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है तो भी रसिया ही होगा, क्योंकि रसिया यूरोप में भी होता है। लेकिन मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछा है उसमें ऑप्शन में रसिया नहीं दिया है, तो जब रसिया ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो जो देश होगा वो होगा, उसका नाम है यूक्रेन। उसका क्या नाम है? यूक्रेन। ये देख सकते हैं ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है यूक्रेन, रसिया के बाद। अगर रसिया ऑप्शन में नहीं है तो यूक्रेन हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन का भी कुछ पार्ट चूंकि इसमें पड़ जाता है आपका रसिया में, सॉरी एशिया में, इस वजह से अगर यूक्रेन भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? तो फ्रांस होगा। तो फ्रांस हो जाएगा यूरोप, जो कि पूरी तरह से यूरोप में, यहाँ पे देख सकते हैं ये है फ्रांस, ये है फ्रांस। तो फ्रांस जो होगा वो यूरोप का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम, यहाँ पे यूराल माउंटेन है, यहाँ पे यूराल माउंटेन वो क्या करता है? रसिया को यूरोप से अलग करता है, यानी रसिया को दो भाग में डिवाइड करता है। सॉरी, तो ये आधा भाग चला जाता है एशिया में और थोड़ा सा भाग जो होता है ये यूरोप में आ जाता है यूराल माउंटेन की वजह से। और यूराल माउंटेन एशिया और
यूरोप, इन दोनों कंटिनेंट को दो पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, यानी दोनों को अलग करता है कौन, यूराल माउंटेन, ये बॉर्डर की तरह काम करता है, ये भी एक फैक्ट है। तो ये सारे फैक्ट्स है इससे रिलेटेड। अब ये दुनिया के हमने 10 बड़े बड़े कंट्रीज भी देख लिए और कंटिनेंट वाइज भी देख लिए, कंटिनेंट में कौन, किस कंटिनेंट में कौन बड़े देश हैं ये भी हमने देख लिया। अब हम स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करेंगे। तो दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन, ये इटली का सब्सिडियरी है, इटली का सारा इसका कंट्रोल इटली के हाथ में होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन या डिफेंस कुछ भी हो सब कुछ इटली के हाथ में होता है, इटली पे ये डिपेंडेंट कंट्री है जिसका नाम है वेटिकन और ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, इसकी कैपिटल है वो है वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी और ये एक होली सिटी है, होली कंट्री आप कह सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस पीपल रहते हैं, जो पोप होते हैं चर्च के वो रहते हैं। इसके बाद दुनिया का जो दूसरा सबसे छोटा देश है वो है मोनैको, दुनिया का जो सबसे दूसरा सबसे छोटा देश है मोनैको, यहाँ फ्रांस के पास कहीं पे मोनैको है, यहाँ पे मोनैको जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। और दुनिया का जो तीसरा जो सबसे छोटा देश है वो यहाँ कहीं नोरू में पड़ता है, नोरू उसको बोलते हैं, उसका क्या नाम है, नोरू, तीसरा जो सबसे छोटा देश है दुनिया का नोरू। तो मैंने तीसरा जो दुनिया का सबसे छोटा देश इस वजह से बताया क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री है, इसकी ये खासियत है दुनिया का सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री है। तो रिपब्लिक क्या होता है, तो जिस देश का जो हेड ऑफ स्टेट होता है मीन्स प्रेसिडेंट, जैसे इंडिया में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का जो चुनाव हो वो हेरिडेटरी ना हो, मीन्स वंशानुगत ना हो, किंग ना हो कोई, जैसे ब्रिटेन में क्या हेरिडेटरी हेड ऑफ स्टेट, वहां पे किंग होते हैं, तो वैसे यहाँ पे इंडिया में लेकिन क्या है कि चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, तो वैसे ही यहाँ पे भी इलेक्शन होता है, इस वजह से ये रिपब्लिक कंट्री है, गणतंत्र देश है, इसी वजह से भारत को भी गणतंत्र बोला जाता है। तो दुनिया का सबसे छोटा गणतंत्र देश कौन सा है, नोरू है। और दुनिया का सबसे छोटा राजतंत्र देश जहाँ मोनार्की है वो कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटा देश है वो है मोनैको, इस वजह से मैंने ये इम्पोर्टेंट, और दुनिया का सबसे छोटा देश वो वेटिकन है, दुनिया का सबसे छोटा मोनार्की जो है वो मोनैको है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ये सारे फैक्ट्स। एक बार हम लिस्ट में देख लेते हैं, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है रसिया है एरिया वाइज, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, आप क्षेत्रफल देख सकते हैं रसिया का बहुत ज़्यादा है, 17,125,000 स्क्वायर किलोमीटर, वही कनाडा का सीधे आधा हो जाता है 9,984,670 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पे चाइना आता है, चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पांचवें नंबर पे ब्राज़ील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे इंडिया जो कि हमारा प्यारा देश भारत, इसका जो क्षेत्रफल है वो आप देख सकते हैं कितना है, 3,166,391 स्क्वायर किलोमीटर। सातवें नंबर पे अर्जेंटीना आता है और आठवें नंबर पे अर्जेंटीना और नौवें नंबर पे कजाकिस्तान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, यानी ये पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ है, इसका सी रूट कनेक्टिविटी नहीं है, आप देख सकते हैं ये कजाकिस्तान का लोकेशन मैप में, यहाँ पे कजाकिस्तान है, ये पूरी तरह से चारों इसकी सी कनेक्टिविटी नहीं है, इस वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री भी है। तो ये जो कि दुनिया का नौवां सबसे बड़ा देश भी है कजाकिस्तान। इसके बाद जो दसवां जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका का अफ्रीकन कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश है। अगर इन दसों देशों को मिला दिया जाए तो ये भी एक फैक्ट आप याद रखें कि ये जो दसों देश को अगर आपस में मिलाया जाए तो जो पूरे अर्थ का जो लैंड एरिया है उसका लगभग 49% अकेले ये 10 कंट्रीज शेयर करते हैं, जो कि लगभग 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया हो जाता है। इसके अलावा जो दुनिया के छोटे देश हैं वो हैं वेटिकन सिटी, नोरू और मोनैको। नोरू जो है ये दुनिया का सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री है और मोनैको जो है वो दुनिया का सबसे छोटा मोनार्क है जिसका मात्र 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। तो ये सारे थे फैक्ट्स मैप से रिलेटेड, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, वर्ल्ड के छोटे कंट्रीज और बड़े कंट्रीज को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और हम अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि और आप कैसा लेक्चर हमसे चाहते हैं, कैसा वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इस वजह से बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।